हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस डाटा प्रोग्राम अनुदेश और निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिकी युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतकों जीरो या वन या ऑन ऑफ को समझ पा सकते हैं, अतः सभी डिवाइस इनपुट इंटरफेस की मदद से बाइनरी संकेत में बदलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इनसे संदेश लेकर कंप्यूटर उन प्रोग्राम के अनुरूप काम करता है, जैसे माउस, स्कैनर, जैस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टैग बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, किम्बॉल, टैग रीडर, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक आदि, कीबोर्ड, ठीक। तो इसके द्वारा हम अल्फाबेटिकल नंबर्स, सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। कीबोर्ड टाइपर जैसा उपकरण होता है जिसमें कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए बटन दिए जाते हैं, जिन्हें हम की कहते हैं। मैन कीबोर्ड, इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर A to Z से अंक 0 से 9 तक कुछ चिन्ह रहते हैं। फंक्शन की, इसे F1 से F12 तक अंकित बटन को फंक्शन की कहते हैं। न्यूमेरिकल की, फेड, संख्यात्मक की फेड में 0 से 9 तक दशमलव, जोड़ घटाव गुणा भाग के बटन होते हैं। न्यूमेरिकल की में फंक्शन की F1 से F12 तक, ठीक। कर्सर मूवमेंट की, कर्सर 3 तीर के समान वाले 4 बटन होते हैं, ठीक। थ्रेड टाइपराइटर की, एक कीबोर्ड की मुख्य हिस्सा होता है। यह मुख्यतः टाइपिंग संबंधी कार्य करने के काम आता है। इन्हें की से हम किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको कंप्यूटर में फॉन्ट बदलना होगा। फंक्शन की, टाइपराइटर की के सबसे ऊपरी भाग में एक लाइन में F1 से F12 तक संख्या तक रहता है। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते समय इनका प्रयोग उसी सॉफ्टवेयर में दी गई सूची के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। कर्सर कंट्रोल, इन की से कंप्यूटर के कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। इससे आप कर्सर को अप डाउन, लेफ्ट राइट आसानी से ले जाया सकता है। यह कीबोर्ड पर एरो के निशान से प्रदर्शित रहते हैं। कीबोर्ड पर एरो कीज के ठीक ऊपर कुछ कर्सर कंट्रोल कीज भी मौजूद रहती हैं। ये इस प्रकार है। पेज अप कीज, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन कीज, इसका प्रयोग अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किया जाता है। होम की, इस प्रयोग कर्सर लाइंस के शुरू में लाने के लिए होता है। एंड की, यह कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। न्यूमेरिक की, कीबोर्ड की दाई ओर न्यूमेरिक की पेड़ होता है जिसमें कैलकुलेटर के समान कीज होते हैं। इनमें से कुछ कीज दो काम करते हैं। न्यूमेरिक कीज के दोनों कार्यों को आपस में बदलने के लिए नम लॉक की का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए संख्या 7 युक्त की होम की के रूप में केवल तभी काम करती है जब नम लॉक की ऑफ होती है। जब नम लॉक की ऑन होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो चिन्हित कीज न्यूमेरिक कीज के रूप में काम करती है। इनमें से किसी को भी दबाने पर स्क्रीन पर एक संख्या दिखाई देता है। क्रैक कैप्स लॉक की, सामान्यतः अक्षर लोअर केस में ही टाइप होता है। यदि आप एक बार कैप्स लॉक की को दबा दें तो टाइप किया गया जाने वाला अक्षर अपर केस में टाइप केस में टाइप होगा। इसे वापस लोअर केस में टाइप करने के लिए एक बार फिर कैप्स लॉक लॉक दबा दें। शिफ्ट की,
की को सबको दबाकर, शब्दों को दबाकर यदि आप कोई अक्षर दबाएं तो वह अपर केस अक्षर में ही टाइप होगी। यदि कैप्स लॉक ऑन की स्थिति में हो तो यह किया उल्टा जाएगा। जब एक की पर दो चिन्ह या कैरेक्टर बन रहे हों तथा शिफ्ट की दबाने से ऊपरी चिन्ह स्क्रीन पर दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस आल्ट कीज का प्रयोग अक्सर विशेष काम करने के लिए किया जाता है, अन्य की के साथ संयुक्त रूप में किया जाता है इसका उपयोग। जैसे कंट्रोल और सी को एक डॉस प्रॉम्प्ट पर लौट आते हैं, कंट्रोल आल्ट और डिलीट कीज को एक साथ क्रमवार दबाने से मशीन स्वयं ही दोबारा शुरू हो जाती है। थ्रे एंटर रिटर्न, एंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से दो कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, यह पीसी को सूचना देता है कि आपने निर्देश देने का काम छोड़ दिया है, अतः वहां दिए गए निर्देशों को प्रोसेस या एक्जीक्यूट करें। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग करते समय एंटर की दबाने पर नया पैराग्राफ या पंक्ति शुरू हो जाती है। थ्रेड टैब की, यह कर्सर को एक पूर्व निर्धारित स्थान पर आगे ले जाने जाती है। इसके द्वारा आप पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं तथा कॉलम टेक्स्ट या संख्याओं को एक सीध में लिख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयरों में यह मेनू में एक विकल्प के दूसरे विकल्प पर जाने में मदद करती है। डिलीट की, कर्सर की दाई ओर लिखे कैरेक्टर या स्पेस को आप इसको दबाकर मिटा सकते हैं। बैक स्पेस की, इसे दबाकर आप कर्सर को के बाई ओर लिखे अक्षर को मिटा सकते हैं। ऐसा करने पर कर्सर अंत में टाइप किए गए अक्षर को मिटाने हुए बाई ओर लौटता है मिटाते हुए। माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम कर्सर को हैंडल करते हैं, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से महत्व बढ़ गया है। थर्ड, ट्रैक बॉल, यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बाल नीचे ना होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बाल का घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान पर में परिवर्तन किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। फिर जॉयस्टिक, यह एक क्लाइंट पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रक वॉल की तरह ही कार्य करता है। इसका उपयोग वीडियो गेम सेमुलेटर प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। स्कैनर, स्कैनर के द्वारा हम इमेज पर लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। फिर है जॉस्टिक, जॉस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी एक कर्सर की पोजीशन को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। पंच कार्ड, इसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं। माइक्रोफोन या माइक, इसके द्वारा हम साउंड को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरा या वेब कैम, यह वीडियो कैमरा होता है। ओसीआर, यह इनपुट उपकरण है ओसीआर जो प्रकाशीय व्यवस्था द्वारा अक्षरों और चिन्हों को पहचान कर डाटा इनपुट करता है। ओसीआर याद रखना, इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, इसे में स्क्रीन को छूकर निर्देश दिया जाता है और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करता है। इसका उपयोग बैंक के एटीएम में किया जाता है। लाइट पेन, पेन के आकार में पॉइंटिंग डिवाइस जिसका उपयोग स्क्रीन पर लिखने या चित्र बनाने में किया जाता है। ओएमआर, इनपुट ड्राइव जो फार्म पेपर पर रिक्त स्थानों या बॉक्स पर लगे पेंसिल पेन के चिन्हों को पढ़कर कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करता। आज कर हो रही है प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम इसी विधि से ज्ञात होते हैं आजकल हो रही। फिर बात करते हैं आउटपुट डिवाइसों के बारे में। जिस प्रकार इनपुट डिवाइस प्रयोगता से निर्देश लेने के लिए काम आते हैं, उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड जानकारी को देखते हैं या ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से स्क्रीन, प्रिंटर, फिल्टर, मॉनिटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर इसके उदाहरण हैं। यह कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए युक्ति है।
या कंप्यूटर का भी उपयोगकर्ता के साथ जुड़ता है। चूंकि कंप्यूटर से प्राप्त डेटा बाइनरी अंकों में होते हैं, अतः इन्हें आउटपुट इंटरफेस द्वारा सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के कार्य: सीपीयू में परिणाम प्राप्त करना, प्राप्त परिणामों को मानव द्वारा समझे जा सकने वाले संकेतों में बदलना, परिणाम के परिवर्तित संकेतों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। मॉनिटर: कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देते हैं या जिस प्रोसेस में जानकारी को हम ग्रहण करते हैं उसे हम मॉनिटर पर देखते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के मॉनिटर आजकल प्रचलन में, सीटी मॉनिटर और यह मॉनिटर उस सिद्धांत पर काम करता है जिस पर हमारे घर का पुराना वाला टीवी, इसमें एक कैथोड रे ट्यूब होता है, इसलिए इसे सीआरटी मॉनिटर कहा जाता है। यह थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्क्रीन थोड़ी मोटी होती है। टीटी मॉनिटर ऐप, यह एक सादा फ्लैट मॉनिटर होता है, यह वजन में कम होता है और जगह भी कम घेरता है। यह सीआरटी मॉनिटर से अपेक्षाकृत महंगा होता है। मॉनिटर या वीडियो या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रदर्शित रंग के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर: डिस्प्ले के आधार पर, तकनीक के आधार पर। तो मोनोफॉर्म डिस्प्ले के आधार पर कलर, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्प्ले। मोनोक्रोम मॉनिटर या ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। कलर मॉनिटर या 16x32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसमें तीन मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, तथा इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। स्ट्रक्चर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, यह एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है या टीवी स्क्रीन जैसा होता है। फिर है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग लैपटॉप में होता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान दो आधारों पर किया जाता है, डॉट पिच। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, डॉट पर इंच में मापा जाता है। रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट, यह स्क्रीन बड़े पिक्सल की गुणवत्ता तथा अंगुली सूचना प्राप्त होने वाले पिक्सल में बदलाव की दर को बताता है। यह कंप्यूटर में प्रयुक्त वीडियो कार्ड की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब है इनपुट आउटपुट में डिवाइस में अगला कौन है, प्रिंटर। इसकी सहायता से निर्गत सामग्री को हम कागज पर मुद्रित कर सकते हैं, अर्थात इसका हम प्रिंट ले सकते हैं। घरों में मुख्यतः तीन तरह के प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह हार्ड कॉपी स्थायी प्रति प्रदान करने वाले आउटपुट डिवाइस है, क्लासिफिकेशन और प्रिंटर। प्रिंट क्षमता के अनुसार और प्रिंट करने के तरीके के अनुसार, तो प्रिंट क्षमता के अनुसार बात करते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक प्रिंट। लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट। पेज प्रिंटर, एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट करता है। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी हॉविल, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल, इंकजेट और लेजर। ठीक, इम्पैक्ट प्रिंटर यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस प्रिंटर में रिबन का प्रयोग होता है। यह भी 80 कॉलम और 132 कॉलम दो तरह की क्षमताओं में आते हैं। इसमें पेंटिंग का खर्चा बाकी प्रिंटरों की अपेक्षा कम आता है, लेकिन पेंट की गुणवत्ता और स्पीड दोनों दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले कम होती है। इसमें एक बार में केवल एक रंग का प्रयोग
लिया जा सकता है, इसलिए इसे मोनोपेंटर भी कहते हैं। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, फ्रेडेसी व्हील प्रिंटर। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है, इसे प्रिंट हेड की जगह डेजी हॉवील लगा रहता है जो गोल घूमकर आवश्यक प्रिंट करता है। इससे ग्राफ या रेखा चित्र नहीं उकेरे जा सकते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता है। विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा कार्बन कॉपी नहीं प्राप्त की जा सकती है। थर्मल प्रिंटर, यह NICP है, इसमें रसायन युक्त विशेष कागज प्रयोग किया जाता है जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इंकजेट प्रिंटर NICP है, जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। इसमें एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें 64 छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। यह इंकजेट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें मोनो और कलर्ड दो तरह के प्रिंटर आते हैं जिसकी गुणवत्ता और स्पीड दोनों बेहतर होती है, लेकिन इसमें पेंटिंग का खर्चा भी ज़्यादा होता है। फिर लेजर प्रिंटर, यह थर्मल तकनीक पर आधारित पर काम करता है। इसमें भी मोनो और कलर्ड दो तरह के प्रिंटर आते हैं, इसकी गुणवत्ता और स्पीड बाकी प्रिंटरों से बेहतर होती है। आजकल बाजार में ऑल इन वन प्रिंटर भी आते हैं जिससे आप प्रिंटर के अलावा फोटोकॉपी मशीन, स्कैनर और फैक्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, फोटो कंडक्टिव ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। प्लॉटर, यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, इसका द्वारा ग्राफिक और डिजाइन की हार्ड कॉपी को प्राप्त किया जाता है। प्रोजेक्टर, एक आउटपुट उपकरण जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सूचना को बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस, याद रखना।